अब देखिए वो हमारी सरकार के अगर कोई मंत्री कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं हमारे काम का, तो मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों से देखा होगा कि माननीय उपराज्यपाल महोदय विनय सक्सेना जी दिल्ली सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उन कामों को देखने के लिए पहुंचते हैं और इतनी लंबी फिर प्रेस रिलीज देते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि वो काम उपराज्यपाल महोदय कर रहे हैं। और हैरानी की बात आज ये हुई कि एक रिपोर्टर ने उनसे कहा कि ये काम तो दिल्ली सरकार के हैं, तो एलजी साहब ने कहा कि अगर कोई मंत्री हमारे काम का क्रेडिट लेना चाहे तो ले ले। तो मैं इतना हैरान हूँ कि ये एलजी साहब के काम कैसे हो सकते हैं। कोई इस तरीके से लोगों को गुमराह कैसे कर सकता है। हमारा बड़प्पन था और हमारे मुख्यमंत्री का बड़प्पन था कि दिल्ली सरकार के, दिल्ली जल बोर्ड के, हमारे बाढ़ विभाग के जो काम हो रहे हैं उस पर एलजी साहब घूमने जा रहे हैं। हमने कहा चलो चलने देते हैं, कोई बात नहीं, टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, दिल्ली देख रहे हैं, देख ले, देखना चाहिए दिल्ली, दूर दूर से आते हैं लोग दिल्ली देखने। मगर अब एलजी साहब हमें कह रहे हैं कि कोई मंत्री अगर क्रेडिट लेना चाहे तो ले ले मेरे काम का। तो आज आपके सामने हम उन सबूतों के साथ पेश हुए हैं जो 2017 से दिल्ली सरकार के जो काम चल रहे हैं, अलग अलग समय पे हमारे मंत्री जिसके बारे में ट्वीट करते रहे, अखबारों में छपता रहा, उसके बारे में आपको बताएंगे। और ये भी बताना चाहेंगे एलजी साहब से कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ये कहना कि डिग्री पैसे खर्च करने की रसीद है ये बहुत अजीब बात है। डिग्री तो बहुत ज़रूरी है ही, और अगर आईआईटी की डिग्री हो तो वो बहुत अच्छी है, क्योंकि एक आईआईटी का इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट, एक साइंटिस्ट ही इस चीज़ का शोध कर सकता है कि वो पहले पायलट करेगा किसी नदी पे, किसी नाले पे, कोई टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, उस टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स देखे जाएंगे कि वो रिजल्ट्स ठीक हैं, और फिर उन रिजल्ट्स के हिसाब से उस टेक्नोलॉजी को और जगह लगाया जाएगा। ये एक वैज्ञानिक का और एक इंजीनियर का और एक खास तौर पे आईआईटी के इंजीनियर का ही दिमाग हो सकता है। इसीलिए आईआईटी दिल्ली के अंदर, देश के अंदर बनाए गए, और जब देश आज़ाद हुआ आईआईटीज तब बनाए गए, और पूरी दुनिया में आज आईआईटीज का नाम इसीलिए है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे दिल्ली के आईआईटीएन मुख्यमंत्री ने कुछ दिल्ली के बारे में विजन रखा, उसके ऊपर सोचा, कुछ टेक्नोलॉजी तकनीकी इंटरवेंशंस किए कि कैसे आप यमुना को साफ करें। अब यमुना को अगर आपको साफ करना है तो यमुना में जो नाले गिर रहे हैं आपको उनको साफ करना पड़ेगा। नजफगढ़ का नाला गिर रहा है, शाहदरा का नाला गिर रहा है, सप्लीमेंट्री ड्रेन गिर रही है, आपको उन नालों के पानी को साफ करना पड़ेगा ताकि यमुना गंदी ना हो, प्रदूषित ना हो। और इसकी शुरुआत 2017 में हुई। 2017 में जब हमने सबसे पहले घोघा ड्रेन को ट्रीट किया, नॉर्थ दिल्ली के अंदर है, तो उसकी सिफारिश और किसी ने नहीं, केंद्र सरकार के एक डिपार्टमेंट ने सभी राज्यों को सिफारिश की कि आप दिल्ली से सीखिए। ये लेटर है, CPHO का लेटर है, हरदीप पुरी जी का डिपार्टमेंट है, जिसमें केंद्र सरकार ने सिफारिश की कि जैसे दिल्ली ने
अपनी घोगा ड्रेन का सफाई की है, घोगा नाले की सफाई की है, उस तरीके का आप भी सीखिए और राज्यों को लिखा। अगला दिखाइए, अगला आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर दिखा रहे हैं, ये 2017 का है। तब तो शायद एलजी साहब को यह भी नहीं पता होगा कि दिल्ली के अंदर कितने विधायक चुने जाते हैं, ये 2017 की बात है। फिर 2017 में अगला रजोकरी ड्रेन का ट्रीटमेंट हुआ, रजोकरी नाले का ट्रीटमेंट हुआ, साउथ में है। और इसके अंदर जो एनेक्चर लगा हुआ है आपको मैं दिखाऊं, केंद्र सरकार से इसके लिए अवार्ड मिला दिल्ली सरकार को, रजोकड़ी ड्रेन रिवाइव्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट विंस जल शक्ति मिनिस्ट्री अवार्ड। ये 2017 में है, तब एलजी साहब को यह भी नहीं पता होगा कि रजोकड़ी जो है दक्षिण दिल्ली में आता है, ये 2017 की बात कर रहे हैं। अगला बताइए, अब अगला है शाहदरा। ये शाहदरा 2019 की बात है और मैं यकीनन बता सकता हूं कि 2019 में एलजी साहब को यह भी नहीं पता होगा कि शाहदरा हमारे स्पीकर साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको यह भी नहीं पता होगा कि दिल्ली सरकार के स्पीकर कौन है। ये 2019 की बात है और 2019 के अंदर ये शाहदरा की ड्रेन को सक्सेसफुल किया गया और उसका जो है अखबार में ये छपा हुआ है कि जो पायलट प्रोजेक्ट किया गया शाहदरा लिंक ड्रेन का वो सक्सेसफुल हुआ। अब आते हैं 2021 के ऊपर, हो क्या रहा है कि काम दिल्ली सरकार का है, कर दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट रहे हैं, एलजी साहब वहां जाके ढोल बजा रहे हैं अपना। मैं एलजी साहब से जानना चाहता हूं, क्या आप दिल्ली सरकार के द्वारा बजट का एक रुपया भी खर्च कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, आपको संविधान ने शक्ति ही नहीं दी। हमने बजट के अंदर डाला कि नालों की सफाई के लिए इतना पैसा आवंटित किया, तब वो डिपार्टमेंट के पास बजट एलोकेशन आया तो फिर वो प्रोजेक्ट बना, फिर उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ। एलजी साहब कहते हैं मीडिया को चलो ले जाओ और बोले ये मैंने करा दिया। नहीं, ऐसे कैसे होता है भाई?